हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज हम आपको करने बताने वाले हैं, जैसा कि पिछले सेशन के अंतर्गत हमारा चल रहा था वर्ण विचार, तो आज हम वर्ण विचार के दूसरे भाग में चलते हैं। पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्वर के कौन कौन से अक्षर हैं, और दूसरा भाग हमारा व्यंजन का है, तो आज हम आपको व्यंजन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि व्यंजन होते क्या है। देखिए, जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यंजन होता क्या है। देखिए, जब बोलते समय हवा टकराकर बाहर निकलती है या जब कोई वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब हमने स्वर पढ़े थे तो स्वर के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि स्वर बिना किसी के बोले सहायता के बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। यहां पर व्यंजन में मैं लिख रहा हूं कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर तो स्वतंत्र हैं, जबकि व्यंजन बोलते समय निर्भर करते हैं स्वरों के ऊपर। पहली बात जो मूल बात थी। दूसरी बात है, व्यंजन बोलते समय मुंह पर जो आठ अपने जो पांच छह ये हैं प्रकार, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो पांच प्रकार हैं हमारे, इनसे टकरा करके हवा बाहर आती है। तो वहां पर व्यंजन का मतलब हुआ कि जब हवा मुंह से आती है, जब कुछ बोलते हैं तो हवा टकराती है मुंह में, या फिर स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाता है वो व्यंजन है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं व्यंजन के प्रकार। तो चलिए प्रकार पे आते हैं। जब हम प्रकार की बात करते हैं तो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा आ गया स्पर्शी, दूसरा हम बोलते हैं अंतस्थ, और तीसरा हमारा ऊष्म। तो मूल रूप से हमारे पास यहां पर तीन होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्शी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पर्शी के अंतर्गत कौन कौन से, किस किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, और स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं। बोलते समय जब हवा कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दंत से टकराकर बाहर आती है, तो वे स्पर्शी व्यंजन हैं। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब यह है
कि जब हम उन अक्षरों को बोलेंगे तो बोलते समय या तो हवा जो है वो कंठ में टकराएगी, या तालु में टकराएगी, या मूर्धा में टकराएगी, या ओष्ठ पर टकराएगी होठों पर, या दांतों पर टकरा करके बाहर निकलेगी। जितने भी अक्षर जब इनसे टकरा करके बाहर निकलेंगे वो सारे के सारे स्पर्शी हो जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं डायग्राम के थ्रू, कौन कौन से कंठ में आएगा, कौन सा तालु में, कौन सा मूर्धा में, कौन सा ओष्ठ में, कौन सा दंत में आएगा। तो सबसे पढ़ लेते हैं, कंठ में कौन कौन से हैं? कैवर्ग। तो कैवर्ग के अंदर क्या क्या आ गया? क, ख, ग, घ, अंग। ये हमारे आ जाते हैं कंठी के नाम से। इनका नाम क्या है? कंठ। ठीक है, मैं मात्रा लगाना भूल गया, इसको कंठ बोलते हैं। दूसरा हमारा है तालव्य। तालव्य में आइए, तालव्य में क्या कह रहा है? च च ज झ य, यानी कि च वर्ग। च छ ज झ य, आ गया समझ में। अगला हमारा है मूर्धन्य। मूर्धन्य में आ जाएगा आपका टै वर्ग। टै वर्ग में क्या कहा जाएगा? ट ठ ड ढ, ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके आगे आपका दे रखा है दंत। देखिए दंत में, दंत इसमें आ जाएगा तय वर्ग। तय वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? त ध ध और न। फिर हमारा आ जाएगा ओष्ठ, समझ रहे हैं? ओष्ठ आ जाएगा और इसके अंतर्गत आ जाए आपका पूरा का पूरा वर्ग आ जाएगा प वर्ग। प वर्ग, और प वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? प फ ग भ और मैं। तो इस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण हो जाता है स्पर्शी व्यंजनों का। अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं वो देखिए। नंबर टू, अंतःस्थ व्यंजन। आप इसको ये भी लिख सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजन इसके अंतर्गत क्या होगा ध्यान से समझिए और इसको याद भी रखिए। पहली बात तो मैं लिख देता हूँ उसमें कौन कौन से अक्षर हैं। ये र ल और व, ये चार ही अक्षर हैं जो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है कि ये ध्यान से सुनो, हवा टकराती नहीं बस छूती है। इस कारण से हल्का सा टच करके निकलती है, मतलब ये कह सकते हैं ऐसा लगेगा कि छू रही है पर वो छूते नहीं है, हवा सीधी निकल रही होती है, इसलिए अंतःस्थ व्यंजन हो जाता है। अगला हमारा है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके श से श है। जब मुंह से बोलते समय गर्म हवा आती हो, उष्ण का मतलब गर्मी होता है। देखिए बोलेंगे शे, हर कुछ चीज गर्म हवा निकल रही है, से श है, आया समझ में? तो ये हमारे तीन प्रकार के व्यंजन हैं मूल रूप से, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा बिंदु आ रहा है कि संयुक्त व्यंजन क्या है। तो चलिए संयुक्त व्यंजन भी देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे और किस किस प्रकार से इनको बताया जाता है, तो संयुक्त व्यंजन भी हम देख लेते हैं। मैं इसको क्रम के अनुसार ही बता रहा हूं, जैसा आपके पुस्तक में क्रम से लिखा गया है उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर आपके एक एक भाग को समझाता जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और यदि कोई चीज आपने नहीं लिखी है
तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ध्यान से देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, जब कोई व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए जब दो व्यंजनों को मिलाकर के कुछ नया अक्षर बनाया जाए तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। देखिए कैसे, कौन कौन से हैं, वो चार है कुल मिलाकर के। पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और क्षत्र ज्ञ अस्त्र। अब देखिए श्र जो बना है, श हलंत प्लस र से बना है, ये भी क्या है, व्यंजन है। ये भी क्या है, व्यंजन है। तो जब दो अक्षरों से मिलकर के कोई चीज बनती है उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम चलते हैं ऊपर वाली तरफ, क और श ये मिलकर बना है, क हलंत प्लस श तब जाकर के बनता है। त्र बना है, त हलंत प्लस व, त्र त्र। और गे, ये जो गे ज्ञानी है ये बना है जय हलंत प्लस ञ। तो इस प्रकार से चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, याद रखिएगा। अगला बिंदु जो आपके इसके अंतर्गत आपके पुस्तक में दे रखा है वो आपका है कि गृहित व्यंजन और है गृहित व्यंजन क्या होते हैं, उनको भी लिख लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। गृहित व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से लिए गए ग्रहित्व का मतलब ग्रहण करना होता है। तो हमने कौन कौन से यहां पर अक्षर ग्रहण किए हैं वो बता देता हूं, क ख ग ज फ आ। अब ये किससे बनता है, ये बिंदु नहीं, ये बना है ना तो ये ओ है ना ये आ है, ये बना आ, क्या बना है आ, क्या बना है आ। तो ये ना तो ओ है ना ही आ है या अ, जैसे हम बनाते हैं डॉक्टर तो वहां पर ये है। तो आप समझ लेना गृहित व्यंजन में क ख ग ज फ अ, ये ही अक्षर हैं जो गृहित व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके जो पुस्तक है उसमें दे रखा है संयुक्त व्यंजनों का, तो ये तो समझा रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका रे है ना रे, ये बहुत महत्वपूर्ण है अब जो मैं बताने वाला हूं, और ये आपके परीक्षा पत्र में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा परीक्षा पत्र के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो रे है ना रे, इस रे को तीन प्रकार से लिखा और बोला जाता है, कैसे देखिए। रे की एक मात्रा जाती है ऊपर, रे की एक मात्रा लगती है ऐसे, और रे की एक मात्रा लगती है ऐसे। तीनों को समझा रहा हूं, देखिए जैसे ये आपका बना कार्य बनाना, तो ये मात्रा कब लगेगी, जब ऐसा लिखिए, जब जिस अक्षर पर लगे उससे पहले
किसकी ध्वनि बोली जाए, बोली जाए, यानी कि जिस अक्षर पर ये वाला लग रहा है चिन्ह, ये उस अक्षर पर जिस पर लग रहा है उससे पहले वाली ध्वनि में बोलेगा। कैसे देखिए, कार्यक्रम, कार्य शब्द है, अब ये के ऊपर लगा है, पर इसकी जो ध्वनि है रे की, वो ये से पहले बोली जाएगी। कार्य, 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 समझ में आ रहा है। इससे पहले ये इसके ऊपर लगा ये, पर इसकी जो ध्वनि है वो इससे पहले बोली जाएगी। कार्य, कार्य, समझ में आ गया। दूसरा हमारा ये ले लेते हैं, जिस अक्षर पर लगे, पर लगे उसी के साथ बोला जाए, कहने का मतलब है जिस अक्षर पर, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले को इसकी बात कर रहा हूं, जिस अक्षर पर लगे उसी के साथ बोला जाएगा। जैसे देखिए, क्रम, के और रे, ये रहा, तो क्र, 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 एक साथ बोल रहा है ना, क्र, क्र, तो क्रम, परंतु ये बोले तो कार्य, ये से पहले बोल रहा है, समझ में आ गया। तीसरा हमारा है ये वाला, देखिए इसके बारे में बता रहा हूं, सिर्फ द, ध, ट, ठ आदि अक्षरों के साथ लगता है, ये ड, ठ, ड, ढ, ड, ढ, ट और ठ इन्हीं के साथ लगता है। जैसे देखिए, हम बोलते हैं ट्रक, आ गया समझ में, ट्रक के नीचे ही लगेगा, ट के नीचे, जब भी रे बोला जाएगा तो इसी के नीचे लगेगा। तो तीनों प्रकार है रे के, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपके पुस्तक में आगे के भाग में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला बिंदु इसके अंतर्गत आपका दे रखा है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है वो भी देख लो। द्वित व्यंजन ध्यान से देखो, जब एक व्यंजन लगातार दो बार आ जाए, बहुत सीधे शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, जैसे है बच्चा, जैसे है पक्का, जैसे है कट्टा, जैसे है धक्का, तो दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं ना, बस इन दोनों व्यंजन यानी कि समान हो वो व्यंजन, और एक बार आधा आ जाए एक बार पूरा आ जाए, तो दो बार और लगातार आ जाता है तो समझ जाना वो जो ग्रुप बना वो द्वित व्यंजन बन गया। क्या बन गया? द्वित व्यंजन बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा मूल बात थी। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर व्यंजनों के इसके अलावा कौन से और प्रकार हैं। तो उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन के प्रकार हैं वो लिख लेते हैं। देखो, दो प्रकार से बांटा गया है व्यंजनों को, व्यंजन के अन्य और वर्गीकरण क्या क्या हैं वो भी समझा देता हूं। एक वर्गीकरण तो है उच्चारण के स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान, और दूसरा मैं एक बाद में बताता हूं, पहले इसको समझा देता हूं। उच्चारण स्थान के आधार पर आपका कौन कौन सा है, देखिए पहला है आपका, जैसे मैंने पहले समझाया भी था, कंठ। कंठ में कौन कौन से आ गए, तो कंठ से बोले जाएंगे क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा आ जाते हैं अपने कंठ के अलावा, फिर आपका है तालव्य, तालव्य, तालव्य में आ जाएंगे च,
छ ज झ य, फिर आपका आ जाएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य में आ जाएगा आपका ट ठ ड ढ अण। फिर आपका आ जाएगा दंत। दंत में आपके आ जाएंगे त थ थ द ध न। फिर आपका आ जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ में आ जाएगा प फ व भ म। ये पांचवा हो गया। दो आपके दो और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नासिक्य और दंतोष्ठ। नासिक्य नासिक जो नाक से बोले, जो नाक से बोले जाते हैं ना, अब नाक से एक्चुअली ये बोले जाते हैं देखो, तो हम इसको विशेष रूप से नासिक्य में भी ले जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इनको इसमें भी बोल सकते हैं, नासिक्य के अंतर्गत भी आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे इसको नासिक्य में ले अंदर ले, तो आप विशेष रूप से नासिक्य में ही लेना इनको। आगे बढ़ते हैं। अपना हमारा है दंतोष्ठ, यानी कि दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब क्या हुआ? दंत दांत और ओष्ठ मतलब मुंह, दोनों से मिलकर के बोला जाता है वह। ओनली एक अक्षर है इसमें व, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक एक शब्द और जोड़ लो। इसमें है जुड़ जाएगा कंठ में, इसमें यह और शय जुड़ जाएगा, इसके अंतर्गत र और शय जुड़ जाएगा, इस वाले में ल और स जुड़ जाएगा, दंत में ओष्ठ के अंतर्गत ओष्ठ ये रहेंगे, इसमें मैं जुड़ बस यही है। तो ये ल व आ गए, स श श ये सब जोड़ लिया हमने। तो कंठ में क्या कौन कौन से हो गए? क ख ग ग अंगे और ह। तालव में छ छ ज झ य ये स। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण र श। दंत में त थ द ध न ल स। ओष्ठ में प प ब भ म। नासिक्य में मैंने बताई दिया अंग ये अण न और मैं, और दंतोष्ठ में वह हो जाता है। इस प्रकार से आपके उच्चारण के अनुसार हमारे यहाँ पर हमने आपको बता दिए। अब अंतिम हमारा भाग जो है उसको भी समझ लेते हैं। हमने वर्गीकरण एक तो हमने कर दिया उच्चारण के आधार पर, दूसरा आपका एक और है वर्गीकरण, वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का मतलब है होता है कोशिश, यानी कि जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी कोशिश लगती है, एक मेहनत लगती है। तो वो मेहनत के कारण क्या होता है कि हमारी जो ध्वनि निकलती है, तो प्रयास के कारण कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं? उसके दो प्रकार हैं, एक तो है घोष और दूसरा होता है अघोष। घोष में कौन कौन सा आएगा? घोष का मतलब क्या है कि जब हम बोलें तो एक कंपन पैदा हो, क्या पैदा हो? एक ध्वनि के अंदर कंपन पैदा हो जाता है, तो उसको घोष व्यंजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व और है। इन देखो तीसरा चौथा पांचवा का मतलब क्या हुआ? कै वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, चै वर्ग का तीसरा चौथा पांच। कै वर्ग का तीसरा कौन सा हुआ? क ख ग घ अंग। चै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा हुआ? ज झ य। तै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा हुआ? ड ढ ण। आया समझ में आए? तीसरा चौथा पांचवा, इसके अलावा य र ल व ह, ये घोष व्यंजन हो जाते हैं। अघोष का मतलब जब बोलते हैं उनको तो बोलते समय क्या होता है? ध्वनि नहीं आती, मतलब कंपन नहीं होता हमारी आवाज में। तो कौन कौन से बच गए? पहला और दूसरा वर्ग, और इसके साथ में अघोष के अंतर्गत आ जाएगा आपका श श स। श स पहला दूसरा में बता दिया, क ख पहला हो गया, च छ पहला हो गया, ट ठ पहला हो गया,
और श श है। इस प्रकार से अघोष व्यंजन भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आपका अंतिम जो भाग है उसमें लिखा गया है श्वास की मात्रा के आधार पर, एक और वर्गीकरण वो भी पढ़ लेते हैं, श्वास की मात्रा यानी कि बोलते समय कितना श्वास खींचा। तो पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब है जिनको बोलते समय कम समय लगे, क्या लगे, कम समय लगता है। तो वो कौन कौन से आते हैं, पहला तीसरा पांचवा, इसमें कौन कौन सा आएगा, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग, और साथ में आ जाएगा य र ल और व। आ गया समझ में, य र ल व आ गया और पहला तीसरा पांचवा आ जाता है तो ये अल्प प्राण हो जाते हैं। महाप्राण में समय अधिक लगता है, क्या होता है, महाप्राण मतलब अल्प प्राण से अधिक समय लगता है बोलते समय, तो वो महाप्राण हो जाता है। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, और साथ में हमारे कौन से बच जाते हैं वो भी मैं लिख देता हूं, न म ल, न म ल ह से भी सीमा आएगा। वो तो ऑलरेडी आई है, ठीक है, न म ल और है, ये इस प्रकार से कुल हमारे महाप्राण हो जाते हैं। दूसरा चौथा और न म ल और है, ये आपके महाप्राण हो जाते हैं। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा य र ल व। चलिए अगली क्लास में हम आपको बताते हैं इसके प्रश्नोत्तर, तब तक के लिए धन्यवाद।